देखिए मैडम, देखिए प्लीज, एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैं निर्दोष हूँ, झाक झमा झम है, हाँ मैं कह रहा हूँ। अबे तू चुप रहे यार, 10 करोड़ का आबन जाबन हुआ है जादूगर इंश्योरेंस कंपनी से, वो छोटी एंटी के जो है बैंक अकाउंट में। इसका मतलब है कमल कांत ने 10 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था, जो कि वो पैसा उसकी बीवी के नाम पर अभी ट्रांसफर हो चुका है। अब तो सर उसमें क्या है सर, वो तो ऑब्वियस है ना सर, मतलब हस्बैंड की डेथ पे पैसा उसकी वाइफ को ही मिलेगा ना सर, मेरी वाइफ को थोड़ी मिलेगा। वेल मॉम, कमल कांत मर के कर गया एक अच्छा काम, इसदा 10 करोड़ हो गए उसकी बीवी के नाम। इसदा वो कहाँ है मालिक, इंश्योरेंस कंपनी का उसको बुलवाया था, टाइम पे क्यों ना होता चौकी में काम कोई। या मॉम, मैंने किया था उसको फोन, इसदा आई लाइक उसकी कलर टोन, इसदा टोंद ने अपनी ने कर ले अंदर, टोंद सिर्फ टोंद ही दिख रही थारी, आई 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 कॉलर टून, या दिस वन। आइए आइए, एक्सक्यूज मी, पॉलिसी तैयार है। किसने मांगी पॉलिसी? देखे देखे देखे। हाँ भैया, तुमने मांगी? नो। किसी ने मांगी? नहीं मांगी ना, अबे चौकी है, क्या कर रहे हो इधर? नहीं करवाई है तो करवा लीजिए, यहाँ वहाँ सारा जहाँ सब लोग पॉलिसी में आ गए हैं, तो आप क्यों पीछे रहते हैं? किसने कह दिया कि हम पीछे रहते हैं? अरे पीछे तो वो शुक्ला जी की साली रहती है, हम हमेशा आगे रहते हैं, एकदम रोड साइड। मतलब सॉरी मैडम, हम है बेसहारों का सहारा, और हमारे रहते ना है कोई बेचारी और ना रहेगा कोई बेचारा। बाकी पॉलिसी तैयार है, हम आपके हेल्प के लिए सदैव तैयार है, बाकी जादूगर इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल तैयार है। ओहो मॉम, ये है इंश्योरेंस कंपनी का मालिक, इसदा आज बर्तन धोते वक्त मेरे मुंह पे लगी काली खीजदा। सुनो ऐसी बात है ना भैया, कि हमने तुम्हें आए केस के सिलसिले में बुलाया है। कमल कांत को जानते हो, जो मर चुका है, उसने तुम्हारे कंपनी में 10 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया था, जो कि वो तो भी टपक गया है, और वो 10 करोड़ रुपए उसके बीवी के नाम पर ट्रांसफर हो चुके हो, याद है कि नहीं याद है? आपने बिल्कुल सही कहा। क्या है साहब कि जो इस दुनिया से ट्रांसफर हो जाता है ना, तो उनका सारा पैसा उनकी नॉमिनी को हमारे कंपनी से फटाफट ट्रांसफर होता है, इसी का नाम तो है जादूगर इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी। ये कब ली है कमल कांत ने पॉलिसी तुमसे, मतलब कब ली थी? बहुत घाटे का सौदा हो गया था, आपको क्या बताओ मैडम, सिर्फ 1 महीना पहले कमल कांत जी ने पॉलिसी करवाई थी। मैडम इससे तो ऐसा लगता है जैसे वो कमल कांत को पहले से पता था कि 1 महीने बाद उसकी मौत होने वाली है। हाँ भाई सही बात है, कमल कांत को या तो पता था या तो किसी और को कि कमल कांत की 1 महीने बाद मौत होने वाली है जी। ठीक है, खराब हारमोनियम, चल निकल ले अब अपनी, बेच जाके कहीं दुकान। 1 मिनट मैडम, नई पॉलिसी आई है, 70 रुपए रोज का देंगे तो महीना में आपको। तुम्हारी हो रखी पॉलिसी? अरे मैडम देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ मैडम कि कमल कांत का खून उसकी बीवी ने किया, उसकी बीवी ने मैंने नहीं मैडम, झाक झमा झम है, मैं कह रहा हूँ आप। चल 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 चल, दिमाग की वाक मत लगा तू। वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 मोमेंट प्लीज, आई थॉट। इसको भी बांध दे इसके संग जाके। Well, mom, what is the plan? Is the खुले हुए हैं मेरे कान, is the टन प्लान। क्यों भाई, वॉशिंग पाउडर है ना? अरे नहीं, वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया। कहाँ है मिसेस तिवारी? ओहो ये रही, आइए आइए।
क्या सुन रहे हैं हम? आपके जो हस्बैंड है, मतलब मरने से एक महीना पहले, उनने बीमा कराया था, वो भी 10 करोड़ का करवा लिया। मतलब कितने फ्यूचरिस्टिक आदमी थे हैं, मतलब वेरी गुड यार, लुक इनटू द फ्यूचर कर लिया उन्होंने, और बीमे के पैसे आपको मिल भी गए। यस मैडम, वाओ। लेकिन मैडम, बीमा करवाना कोई गुनाह तो ना है? लहसुन छीलते छीलते नहीं, हमने कहा बीमा कराना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का खून करना या करवाना ये गलत बात है। आई थिंक सो। तो आपके कहने का क्या मतलब हो रहा है हा? कि मैंने अपने हस्बैंड का मर्डर करवाया लहसुन छीलते छीलते? नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब है कि किसी के भी, मतलब हुएवर, किसी का भी मर्डर करना या करवाना, सुपारी उपारी देना, ऑल दैट मर्डर टाइप चीजें क्राइम हो गए, गलत बात। वेल, हु द दिस न्यू फेलो इज द पानी में उतर की फेलो इज द? अरे हाँ, ये कौन है? ओ भाई, कौन हो तुम यार? ये सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए पहले तो कभी नहीं देखा इसे। हाय हाय। जी मैडम जी, मैं ड्राइवर हूँ, डोंकी ड्राइवर। गधे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, डोंकी डोंकी हमारा नाम है, डोंकी द्विवेदी। ब्रेक लगा दूंगा। नहीं नहीं, अरे अभी 2 ही दिन तो हुए हमें ज्वाइन किए हुए, ब्रेक लगा दूंगा। वैसे मैडम, इस पूछताछ का कोई मतलब है ना लहसुन छीलते छीलते? मैडम, मेरे हस्बैंड का कातिल आप लोगों की गिरफ्त में है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और आप लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं मैडम लहसुन छीलते छीलते। और वैसे मैडम, मैं बताई दे रही हूँ कि आपकी इस पूछताछ में अब कोई भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत ना है मुझ में, थक गई हूँ मैं लहसुन छीलते छीलते। झुमके अच्छे हैं आपके। आपके झुमके अच्छे हैं, गहने वहने बढ़िया पहन रखे हैं आपने। थैंक यू, लेकिन मैं थक गई हूँ। अगर किचन जा रही है तो 4 ग्लास जूस भेज देना। अब मैं भी जाऊँ, बहुत सारे कपड़े धोने, वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया। हाँ जाओ जाओ, कपड़े धो चकाचक, एकदम पैंट को एकदम इस्त्री मार के एकदम फ्रेश कर देना, ओके? अरे एकदम क्लीन कर देंगे, वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया। कोई हेल्प चाहिए तो गोपी भी आ जाएगा। वेल ड्राइवर, यू कैन आल्सो गो इज द, गाड़ी में जाओ सो इज द। जी दादाजी। वैसे मैडम, ये केस आईने और मेरी दांतों की तरह साफ है मैडम। मतलब ये जो मिसेस तिवारी कह रही थी वो भी सही बात है कि हम फालतू में उन पे शक कर क्यों रहे हैं? अरे मैडम, मर्डर तो उसी ने किया है ना, उस सुंदर सेल्समैन ने। हमने पूरा वीडियो देखा मैडम, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो सुंदर सेल्समैन ने मिस्टर तिवारी का मर्डर किया। वीडियो वीडियो ही तो एक बार और देखना है सर। जरा वीडियो गौर से देखिए और मन ने बताइए कि मारा शक सही है या गलत। क्या कर रहे हैं बे? हैं? क्या करके रहे? देख रहा था। ऐसे देखते? अभी कंप्यूटर देखते, उसके अंदर घुस ना जाते। घुस जा अंदर, एक काम कर, बैठ जा। हम उठते, बैठ जा आराम से। बैठ जा। अब वहां जाके रोना नहीं। देखो बेशर्म, फोन लगा रहा है। सर सर, गोपी देख ले, काम के टाइम में गायब हो गया। नाराज नो बेबी, आई लव यू। हाँ सर। मिस चौटाला। सर, आपका शक सही निकला। ना ना, आपको आपको न, हाँ हाँ करेक्ट हो जाएगा।
गोपी बेबी कम ना कम 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 डोंट बी नाराज कम चल जा भाग यहाँ से भाग आई लाइक हिम यस मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आपके हिसाब से सत श्री अकाल जी मैं लप्पी लूथरा फ्रॉम जलंधर फड़फड़ा समंदर केस क्या है केस भाभी जी इन्होंने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया पाजी मैं बताती हूँ एक्चुअली ना मैं ना इनको बहुत पीटती हूँ इनका पीट पीट के ना मैंने ये हाल कर दिया है बस अब आपको एक काम करना है इनका चेहरा बदल के ना ऐसा बनाना है ये क्या मजाक है जी देखिए जो छोटी मोटी चोट लगती है ना उसकी मैं प्लास्टिक सर्जरी कर सकता हूँ लेकिन ये फेस बदलना ये सब मैं नहीं कर सकता ऐसा क्यों कह रहे हैं आप एक मिनट आपने इस फेस में नहीं बदला आप लोग कौन है जाइए हम जाएंगे डॉक्टर साहब हम सब यहाँ से जाएंगे हेलो हाउ डू यू डू फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे इमान चौकी लेकिन जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये फोटो वाले को वो फोटो वाले में ट्रांसफर कैसे कर दिया देखो बताना तो होगा डॉक्टर साहब आपको क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सामान है जिससे अच्छे अच्छों की बोलती ना वो खुल जाती तो खोलिए बोलती मैं सब कुछ बता दूंगा मैं सब कुछ बता आप ये गोली मचला ना आपके हिसाब से चल मर जाना टूट पैना ना हो गए हो गया यार गोपी आप क्या कर रहे हैं चल मर जाना टूट पैना ना हो गए हेलो अरे अरे पता है इस बार फिर से पुलिस आई थी लगता है वॉशिंग पाउडर खत्म होके ही रहेगा अरे नहीं नहीं तुम परेशान मत हो मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ ठीक है आप लोग यहाँ हम लोग यहाँ भाई लड़खड़ाती जबान कप कप आती आवाज माथे पे पसीना टेंशन में हसीना हाँ? वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया क्या धारा किससे बात कर रही थी फोन पे किससे कह रही थी कि पुलिस नहीं आएगी किसी को शक नहीं होगा हैं अरे वो तो मैं अपने हस्बैंड से गांव में बात कर रही थी हस्बैंड से आप हस्बैंड से बात कर रही थी अरे पति से बात कर रही थी तो इतना टेंशन क्या है इनको देख के इतनी घबरा क्यों गई तुम वो पुलिस को देखकर तो कोई भी घबरा जाएगा ना 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 गलत बात मत चौटाला पुलिस को देखकर क्या ये चुटकी घबराई ना पुलिस को देखकर क्या ये भोला भाला ड्राइवर घबराया नहीं घबराया मैडम ये क्या है हाँ आप लोग फिर चले आए लहसुन छीलते छीलते अच्छा तुम अटैची लेके सूटकेस लेके भैया कहीं चली जा रही हो भगरी हो और हम आए बिना हम कहीं भी जा रहे हो मैडम अब बताइए बिना पुलिस की इजाजत के हम सूटकेस लेके कहीं जा भी नहीं सकते लहसुन छीलते छीलते वेल पापी जी यू आर राइट इज द अभी चल रहा है केस इज द जरा खोल के दिखाइए ये सूटकेस इज द अब ऐसा है दद्दू सूटकेस खोल के नहीं दिखा सकती मैं लहसुन छीलते छीलते नहीं
अरे यार गोपी, तू क्यों लिटिल ओल्ड लेडी ने परेशान कर रहा तू है? अब तो यार ऐसा है, इनके पति का केस भी सॉल्व हो गया, मतलब खून का खूनी भी मिल गया है, और जिसने वो साजिश रची थी ना, उसका भी हो गया पर्दाफाश। और इस साजिश का जो रचयिता है रचयिता मींस क्रिएटर मींस मास्टरमाइंड, वो है यो। नहीं, मैडम जी मुझे चाकू मत मारिए। अबे तुम्हें किस बात का टेंशन बे, खा लो जरा दो तीन मुंह पर। तुम्हें किस बात का टेंशन, तुम्हारा जो दोस्त है डॉक्टर फारूक, उससे प्लास्टिक सर्जरी करा लेना। हाँ, उसमें मतलब वैसी ही प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना जैसी पहले करवाई थी मिस्टर कमल कांत। मिस्टर कमल कांत पहले के लगा है कि अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना झूठा मरने का नाटक करके मर्डर खेल के अपनी बीवी को साथ मिला के और घर की नौकरानी को, और तू जो है इंश्योरेंस कंपनी से लाखों का चूना लगा के शहर से भाग लेगा उस बेचारे सुंदर सेल्समैन को फंसा के। प्लीज प्लीज मेरा नकली खून कर दो, वरना इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। 2 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख अभी और 1 लाख मेरे कत्ल होने के 3 दिन बाद। हाँ, और पुलिस यहाँ चने खाती बैठेगी। वैसे मिस्टर कमलकांत, तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि हमें तुम पर शक कैसे हुआ? हाँ, नकली है यार, जैसे कि थारी सकल नकली है ना, तो चाकू भी नकली है। ये जो थारी कंधा उचकाने की जो आदत है ना, ब्रेक लगा दूंगा। यो तैने ले डूबी। हाँ, वेरी गुड। इंसान जो है अपनी शकल बदल सके, अपनी जो है आवाज भी बदल सके, हेयर स्टाइल हुलिया गेटअप बदल सके, लेकिन अपने अंदाज ना बदल सके। और जब हमने वो वीडियो फुटेज देखा तो कमलकांत भी इसी तरह कंधा उचका रहा था, और भैया तुम वहीं फंस गए। सोफा सॉफ्ट है। हमारे जेल की सलाखें भी घनी सॉफ्ट है थारे लिए। चल मजा चकाऊं। Well, इस तरह खुल गया सारा खेल इसदा, अब तीनों जाओगे जेल इसदा। चल भाई भाई भाई, आइए, अरे आओ यार, चलो। What a happy song. Sorry sir, bye mistake. No problem at all. मिस्टर डोला, हमें फिर से मिलकर ही केस सॉल्व कर दिया। Yes. इसी तरह हम मिलके अगर फूल खिलाए दिल के, हमारा मतलब इसी तरह मिलके अगर हम ये केस सॉल्व करते रहे तो कोई केस बचेगा ही ना। सर, इट्स अ गुड प्लान फॉर फ्यूचर, बट सर टॉकिंग ऑफ फ्यूचर, सर मन ने ख्याल आ रहा है कि सर एक आध साल में सर मैं शादी कर लूँगी तो सर एक आध साल में फिर जो है मोटे मोटे गोल से नंगे कुछ गंजे बालक हो जाएंगे, फिर सर आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज होम एंड वर्क। सर इट्स टैक्सिंग, आई एम नॉट मलाइका अरोड़ा। आप शादी कर लेंगी? आदि नहीं सर, शादी। हमने वही कहा। हाँ सर, शादी। I'm girl सर, शादी हो जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी, बढ़िया एक जो है।